हेलो एवरीवन, आज का आपका टॉपिक रहेगा डिजीज ऑफ ग्रेप्स। तो लास्ट क्लास में अपने सिट्रस की क्रॉप की डिजीज थी उनके बारे में डिस्कस किया था, उनको कंप्लीट किया था। आज की क्लास में पढ़ेंगे ग्रेप्स की, जो कि अंगूर की जो भी डिजीज लगती हैं तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके सिलेबस में वैसे तो देखिए अंगूर पे बहुत सारी डिजीज लगती हैं, बट आपके सिलेबस में मेन मेन दो डिजीज दी हुई हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी है? एक एंथ्राकनोज है और एक डाउनी मिल्ड्यू है, जिसमें से डाउनी मिल्ड्यू इम्पोर्टेंट डिजीज है, हो सकता है बड़ा क्वेश्चन पूछ ले। और बाकी ऐसा है कि उसमें से जो रहेंगे आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो उसमें से तो आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन मतलब पूछते ही हैं हमेशा, लगभग मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा ही जाता है डाउनी मिल्ड्यू और ग्रेप्स के बारे में। तो और एक एंथ्राकनोज डिजीज है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट रहेगी, अपने पढ़ते हैं इन सब के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे कि देखिए जनरली बताया गया है कि ग्रेप्स की मतलब डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। बोटनिकल नेम क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा, ठीक है, वाइटिस विनिफेरा। फैमिली कौन सी रहेगी? विटेसी रहती है इसकी फैमिली। देखिए किस तीनों टाइप के ग्रेप्स अपने खाते हैं, अपने को पता है इन सब के बारे में। तो अपने डिजीज के ऊपर आते हैं, जो कि अपना मेन टॉपिक है। कौन सा है? एक तो रहेगी डाउनी मिल्ड्यू और एक रहेगी एंथ्राकनोज, ठीक है। तो डाउनी मिल्ड्यू और एंथ्राकनोज, उन ये दोनों है क्या, उनके बारे में सबसे पहले अपने को डिस्कस करना चाहिए। तो डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये लीफ है तो लीफ की अंडर साइड ऑफ द लीफ मतलब पत्ती की निचली सतह पे क्या होता है, डाउनी ग्रोथ हो जाती है, कोटनी ग्रोथ होती है, डर्टी वाइट से कलर की ग्रोथ हो जाती है और स्पोरेंजिया की वजह से होती है, ठीक है। स्पोर बनता है इसमें, स्पोरेंजिया बनेगा इस तरह से, तो जिसकी वजह से क्या होती है, डाउनी पार्ट में ग्रोथ हो जाती है वाइट कलर की, जिसको कोटनी ग्रोथ भी बोला जाता है। तो ये इसका मेन सिम्टम रहता है। और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऊपर वाली जो लीव्स का जो ऊपर वाली सरफेस है उसके ऊपर येलो कलर के ऐसे पैचेस से पड़ जाते हैं, येलो कलर के धब्बे से पड़ जाते हैं, जो कि इस डिजीज का क्या है कि मेन सिम्टम है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कोजल ऑर्गेनिज्म कौन सा रहेगा, प्लाज्मा पोरा विटिकोला, ठीक है, ये आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। विटिकोला मतलब वाइटिस विनिफेरा इसका बोटनिकल नेम है, तो वहीं से इसकी स्पीसीज बन गई है विटिकोला। नेक्स्ट देखिए एंथ्राकनोज अगर रहेगा तो उसका कौन सा पैथोजन रहेगा, एल्सिनोई एम्पिलिना। और दूसरा अगर बोले तो मतलब कि इसकी एसेक्सुअल फॉर्म, अगर एनामोर्फ फॉर्म बोले तो एनामोर्फ स्ट्रेस कौन सी रहेगी, ग्लोइस्पोरियम एम्फिलिफेगम। तो ये चीज आप याद कर लेना, पूछ सकते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रहेगा इसका कोजल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं इसका सिम्टम। हाँ जी, तो डाउनी मिल्ड्यू में अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इसका कोजल ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मा पोरा विटिकोला हो गया। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें, मतलब पैथोजन के बारे में अगर देखें कि कौन से क्लास से कौन से बिलोंग कर रहा है, तो वो देखिए किंगडम रहेगा क्रोमिस्टा, डिवीजन उमाइकोटा, तो इससे पता चल जाएगा कि उस्पोर बनेगा इसके अंदर। क्लास रहेगी उमाइसिटीज, ऑर्डर रहेगा इसका पेरेनोस्पोरेल्स, फैमिली रहेगी पेरेनोस्पोरेसी, जीनस रहेगा प्लाज्मा पोरा और स्पीसीज रहेगी विटिकोला। तो ये इसका मेनली क्लासिफिकेशन रहेगा। अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो आप स्किप भी कर सकते हो, उतना मतलब नहीं रहेगा कि मतलब आप एक एक चीज को अगर रट रहे हो। आपको थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना, इतना याद रख लेना कि उमाइसिटीज क्लास की फंगस है, उससे क्या होगा कि कौन सा स्पोर बनता है, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगर इसके सिम्टम देखे तो सिम्टम मैं आपको वैसे भी बता ही चुकी हूँ, तो इसके अंदर क्या होगा कि पत्ती की निचली सतह पे स्पोरेंजिया की वजह से ग्रोथ हो जाती है, जिससे क्या होता है कि पत्ती की जो ऊपर वाले पार्ट है, यहाँ पे देख रहे हो ग्रोथ हो रही है व्हाइट कलर की है, जिसको डर्टी व्हाइट कलर भी आप बोल सकते हो, प्योर व्हाइट है एकदम नहीं रहता, थोड़ा सा डर्टी व्हाइट सा कलर रहता है, ग्रोथ होगी जो किसकी वजह से होती है, स्पोरेंजिया की वजह से होती है। और जिसकी वजह से क्या है, ऊपर वाली पत्ती के जो ऊपर वाली सरफेस है वहां पे येलो कलर के ऐसे पैचेस से पड़ जाते हैं, येलो कलर के धब्बे से पड़ जाएंगे, ये इसका मेन सिम्टम रहेगा। और जो कि मतलब जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं, जैसे लीव्स हो गई, उसका मतलब यंग जो शूट होता है, उन सब पे बेरीज हो गया, इन सब पे ये जो सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं। जितने भी जो एरियल प्लांट के पार्ट है उन सब पे ये सिम्टम देखने को मिलेगा। और ज़्यादा मतलब ये सिम्टम कहाँ पे अपीयर होता है अपने को, लीव्स पे और शूट पे।
और इमेच्योर बेरीज, जो कि मतलब मेच्योर नहीं हुई है अभी बेरीज, जो फ्रूट बना है वो इमेच्योर है, उस टाइम में ये जो डिजीज है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए जो स्पॉट है वो किस तरह के पड़ेंगे और किस टाइप के होते हैं, इररेगुलर होंगे, येलोइश होंगे, येलो कलर के होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट। अब ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, इस चीज़ को समझिए, इस वर्ड को। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है कि अगर इसके अंदर लाइट अपने मतलब लाइट से अगर ऐसे करके देखे तो वो आर पार दिखता है, मतलब उससे के आर पार दिखते हैं। पत्ती क्या होती है, बिल्कुल ऐसे छनी हुई सी हो जाती है, जैसे देखते हैं ना कोई, मतलब ट्रांसपेरेंट सी हो जाती है। तो जैसे ये धब्बा पड़ेगा तो इससे अगर आप लाइट अगर पास करते हो तो आर पार आप देख सकते हो, तो उसी को बोला गया है कि ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट पड़ जाता है। इससे पत्ती जो मतलब है बिल्कुल ऐसे छन जाएगी, डायरेक्ट आप देख सकते हो उसमें से अगर लाइट पास करते हो तो। ये इसका मेन सिम्टम रहता है, जो कि मतलब अपर सरफेस पे इस तरह की स्पॉट पड़ेंगे और लोअर सरफेस पे क्या होगा, डाउनी ग्रोथ हो जाती है, कोटनी ग्रोथ, व्हाइट कलर की ग्रोथ रहेगी। नेक्स्ट देखिए, जो ये तो अपने कर ही चुके हैं कि डर्टी व्हाइट कलर की ग्रोथ रहेगी फंगस के स्पोरेंजिया की वजह से अंडर साइड ऑफ द लीव्स, जो कि इसका मेन सिम्टम है। नेक्स्ट देखिए इसका अफेक्टेड लीव्स कैसी होगी, अफेक्टेड लीव्स येल्लो एंड ब्राउन एंड गेट ड्राइड ड्यू टू नेक्रोसिस। तो जो अफेक्टेड लीव्स होगी वो पहले जैसे येल्लो थी, फिर क्या होगी, धीरे धीरे ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि नेक्रोसिस हो जाएगा, उसमें जितने भी सेल्स टिश्यूज हैं उनकी डेथ हो जाएगी, जिससे जो पत्ती है, तो जैसे मतलब यहाँ पे स्पॉट पड़ा है, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, जैसे नेक्रोसिस होगा, यहाँ से नेक्रोसिस होगा, धीरे धीरे ये जो पैचेज है उनका साइज है वो बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा कि पत्ती सूख के नीचे गिर जाती है, जो कि इसका मेन सिम्टम रहेगा। प्री मेच्योर डिफोलिएशन हो जाएगा, मतलब अभी तक प्लांट पूरी तरह से पका नहीं है, उससे पहले ही क्या होगा कि उसका पत्ती है वो, मतलब उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई है, उससे पहले ही वो उसकी डेथ हो जाती है, पत्ती है वो टूट के नीचे गिर जाएगी। ड्वार्फिंग ऑफ टेंडर शूट्स, जो टेंडर शूट्स रहते हैं तो वो भी बोने रह जाते हैं, उनकी भी पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती है डिजीज की वजह से। तो ये रहेंगे इसके मेन सिम्टम। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके सिम्टम बेरीज पे किस तरह से दिखेंगे, मतलब वहां तो अपने था पत्ती के ऊपर और शूट के ऊपर आएंगे, यहाँ देखिए बेरीज मतलब जो फ्रूट बनता है उसके ऊपर किस तरह के सिम्टम दिखेंगे। तो जो इन्फेक्टेड लीव्स शूट्स एंड टेंड्रिल्स आर कवर्ड बाय व्हाइटिश ग्रोथ ऑफ द फंगस, ये अपने बार बार पढ़ रहे हैं, फंगस की व्हाइट कलर की ग्रोथ हो जाती है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो। तो ये क्या होगा कि जैसे मतलब अभी देख रहे हो कि यहाँ पे इस इमेज में आप देख रहे हो कि बिल्कुल ये जो फ्रूट है वो बिल्कुल अभी तक पका नहीं है, इमेच्योर स्टेज में है वो, उससे पहले क्या हुआ है कि पूरी व्हाइट कलर की ग्रोथ हो गई है, व्हाइट कलर की ग्रोथ ने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है, इससे क्या होगा कि वो फ्रूट है वो पकता ही नहीं है बिल्कुल, ऐसे मतलब जो फ्रूट है वो लेटर स्टेज में क्या होगा इस तरह से ऐसे ब्राउनिश ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर नहीं होगा वो, मम्मीफाइड फ्रूट भी आप इसको बोल सकते हो, कि जो फ्रूट है वो इस तरह से, जैसे मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे वो बिल्कुल ऐसे सूखा हुआ सा क्या होगा कि टूट के नीचे नहीं गिरेगा, वहीं पे चिपका रहता है, मतलब प्लांट का जो पार्ट रहता है वहीं पे ऐसे चिपका रहेगा बिल्कुल खराब होके, जिसको क्या बोला जाता है कि इसका जो फ्रूट है वो मम्मीफाइड फ्रूट हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए, ये तो आपने पढ़ ही चुके हैं कि जो व्हाइटिश ग्रोथ होगी वो धीरे धीरे, वो किस तरह की व्हाइटिश ग्रोथ होगी, ऐसे लेदरी जैसे मतलब फेदर टाइप नहीं रहते, ऐसे छोटे छोटे ऐसे जो कोटनिंग ग्रोथ इसकी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन्फेक्टेड बेरीज टर्न हार्ड ब्लूइश ग्रीन एंड देन ब्राउन, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो इन्फेक्टेड बेरीज रहेगी, जो इन्फेक्टेड फ्रूट रहेगा वो हार्ड हो जाता है, मतलब पूरा मैच्योर नहीं हो पाएगा, उसका जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाता है उसके अंदर ही, वो फ्रूट है वो मम्मीफाइड फ्रूट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कि इसके ऊपर क्रैकिंग नहीं आती है, फ्रूट के ऊपर भी, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रूट फट जाएगा, वो क्या होगा कि वहीं पर बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाता है, वहीं पर चिपक जाता है। तो ये इसमें फ्रूट के मेन सिम्टम रहेंगे, इसके सिम्टम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं आप, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं इसके पैथोजन का कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसका पैथोजन किस तरह का होता है। तो आपने पढ़ ही चुके हैं कि ओमाइकोटा क्लास की फंगस है, उसमें डाउनी मिल्ड्यू में बार बार, अपने पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं कि इसका जो माइसीलियम है वो इंटरसेलुलर रहेगा और होस्टोरिया बनती है, जिस होस्टोरिया क्या होती है, एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है जिससे क्या होता है कि वो न्यूट्रिशन लेता है अपने होस्ट प्लांट से, पैथोजन है वो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है एक ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म करके, जिसको क्या बोला जाता है, होस्टोरिया बोला जाता है, चूस्कांग या फिर हिंदी में शायद इसका ऐसा ही नाम है कुछ।
नेक्स्ट देखिए सिनोसिटिक माइसिलियम, मतलब माइसिलियम विदाउट सेप्टा, बार बार अपने पढ़ रहे हैं इस वर्ड को, और ये क्या है, एक नंबर में पूछा जाता है, वन मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसमें पूछा जाता है सिनोसिटिक मतलब क्या होता है, या फिर माइसिलिया विदाउट सेप्टा, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकते हैं, वो क्या होगा, सिनोसिटिक माइसिलियम। नेक्स्ट देखिए थिन वॉल्ड रहता है और हाईलाइन रहता है, हाईलाइन मतलब क्या होता है, बिल्कुल ऐसे व्हाइट कलर का आप बोल सकते हो, या फिर ट्रांसपेरेंट, या फिर जिसका कोई कलर नहीं हो, ठीक है, इस तरह का इसका जो माइसिलियम है वो बनेगा। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या होता है, स्पोरेंजियोफोर बनता है, स्पोरेंजियोफोर में क्या फॉर्म होगा, स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजिया बनेगा, और जू स्पोर निकलेगा उसके अंदर, जो कि एसेक्सुअल स्पोर होता है, जो कि हाइफी से अराइज होता है, और सब स्टोमेटल जो स्पेस होता है, मतलब स्टोमेटा के अंदर जो और बाहर की लेयर में जो भी मतलब स्पेस होता है उसके अंदर इनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए समटाइम दे इमर्ज डायरेक्टली थ्रू द क्यूटिकल, और हो सकता है कभी कभी वो डायरेक्ट क्यूटिकल से भी इमर्ज हो सकते हैं, जो जैसे होस्ट होता है ना, होस्ट प्लांट की, जैसे अब बाहरी जो त्वचा होती है, जो आउटर जो सरफेस होती है जिसको क्या बोलते हैं क्यूटिकल, तो वहाँ से भी इसका एराइजेशन हो सकता है, डायरेक्ट वहीं से भी ये एराइज हो सकता है स्पोरेंजियोफोर। नेक्स्ट देखिए ऑन यंग बेरीज ऑफ ग्रेपवाइन दे इमर्ज थ्रू द लेंटिसल्स, लेंटिसल्स मतलब क्या होते हैं, जो वात रंध्र होते हैं, मतलब प्लांट के जो वात रंध्र होते हैं, वहाँ से भी क्या होता है डायरेक्ट, मतलब यंग अगर प्लांट है भी, मतलब अपना प्लांट बिल्कुल यंग है, तो वात रंध्र के थ्रू भी इनका इमर्जेंस हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्पोरेंजियोफोर ब्रांचिंग इज ऑलमोस्ट एट राइट एंगल ऑफ द मेन एक्सिस, तो इसके अंदर देखिए इस तरह से बनेगा, जैसे ये है इसका, तो इसमें इस तरह की ब्रांचिंग होती है, मतलब राइट एंगल पे बिल्कुल, ये अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूँ, आप वहां से भी समझ सकते हो, जैसे मतलब मेन एक्सिस, मेन अगर इसका ये है एक्सिस, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट इसके राइट एंगल पे ब्रांचिंग होती है, वहां से आगे वाला जो पार्ट है वो ऐसे स्वोलन सा हो जाता है इस तरह से, ठीक है, तो सूजा हुआ सा ऐसे स्वोलन पार्ट रहेगा जिसके अंदर की स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन होता है ऐसे, तो ये इसके मेन ब्रांचिंग होती है फंगस में इस तरह से इसके माइसिलियम की, तो इस तरह का रहेगा, यहाँ से आप समझ सकते हो, जिसके अंदर की क्या है स्पोरेंजिया आगे मतलब जर्मिनेट होके और फिर इसके अंदर जू स्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो ये इस तरह से रहेंगे, ठीक है, तो राइट एंगल पे, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि मेन एक्सिस से राइट एंगल पे क्या होता है इसकी ब्रांचिंग होती है, और वहां से आगे फिर क्या होता है कि इसमें स्ट्रिग्माटा निकलती है, ये जो जो आउटर ये जो पार्ट आप देख रहे हो जो स्वेलिंग वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रिग्माटा निकलती है, जो कि मतलब फूल के, और उसके अंदर क्या होता है स्पोरेंजिया भरे रहते हैं, जू स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम द अपेक्स ऑफ ईच ब्रांचिंग 2 to 3 स्टिग्माटा राइज ऑफ द बेयर स्पोरेंजिया सिंगली, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है ये जो पार्ट रहेगा इसको स्ट्रिग्माटा बोलते हैं, जिसमें मतलब जो कि 2 या फिर 3 हो सकती है, जहां पे क्या होगा कि स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। स्पोरेंजिया कैसे रहेंगे, थिन वॉल्ड रहते हैं, ओवल रहते हैं और लेमन शेप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एसेक्सुअल स्पोर इसमें कौन सा रहेगा, जू स्पोर इसमें एसेक्सुअल स्पोर रहता है, और कैसा रहेगा बाइफ्लेजिलेट, मतलब डबल उसके अंदर फ्लेजिला रहती है, और फ्लेजिला क्या काम करती है, फ्लेजिला जू स्पोर को मूवमेंट करने में हेल्प करती है, देखिए जू स्पोर की जैसे स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, तो इसके ऊपर क्या है कि इस तरह से फ्लेजिला प्रेजेंट रहती है, जो कि ये क्या काम करती है जू स्पोर को मूवमेंट करने में मदद करती है एक जगह से दूसरी जगह से दूसरी जगह पे, तो ये रहेगी इसके मतलब इटियोलॉजी बोल सकते हो, या फिर पैथोजन के बारे में अपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखिए इसका डिजीज साइकिल बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी अपने इटियोलॉजी पढ़ी थी सेम उसी को रिलेट करके अपने यहाँ पे पूरी चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि इसके जो स्पोर है मतलब वो स्पोर जैसे रहते हैं, तो वो कहाँ पे सरवाइव करेंगे, जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज रहते हैं उसके ऊपर, इन्फेक्टेड जैसे मतलब लीव्स हो गई, प्लांट का कोई पार्ट हो गया उसके ऊपर ये सरवाइव करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें आप देख सकते हो येलो ब्राउन स्पॉट अपीयर ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द लीव्स विद व्हाइट पैचेज ऑफ स्पोरुलेशन ऑन अंडर साइड ऑफ द लीव, तो इसके येलो ब्राउन कलर के जो स्पॉट रहेंगे वहाँ पे क्या होगा वो स्पोर रहेगा, ठीक है, उन स्पॉट के अंदर जो मतलब स्पॉट पड़ रहा है वो किस वजह से पड़ रहा है, वो स्पोर है उसके अंदर फंगस का स्पोर। तो ओवर विंटर क्या होता है, वो फालन जितने भी जो लीव्स रहते हैं या फिर इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज आप बोल सकते हो कि फसल के जो अवशेष हैं वहाँ पे ये सर्वाइव करता रहता है। नेक्स्ट देखिए अब वो स्पोर में कैसे जर्मिनेशन होगा, वो जर्मिनेट करेगा इस तरह से, जर्म ट्यूब बनेगी उसमें, तो जर्मिनेट करके क्या होगा मॉइस्चर इंड्यूस प्रोड्यूसिंग ऑफ स्पोरेंजियम
इन स्प्रिंग स्प्रिंग सीजन जैसे आ जाता है तो वहाँ क्या होगा कि ऐसे जर्मिनेशन होगा, उसके अंदर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा वो स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए स्पोरेंजियो स्पोरेंजियम लिबरेट्स जूस फॉर इन वाटर। अब क्या करेगा, स्पोरेंजिया है तो उसकी वो फट के क्या होता है उसके अंदर से जूस फोर निकल जाते हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं जूस फोर डायरेक्ट या तो प्लांट को प्लांट के ऊपर जैसे जाते हैं मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन का काम करते हैं, या तो मतलब डायरेक्ट दूसरे प्लांट के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन कर देंगे, या फिर क्या होगा कि जूस पोर मतलब कि या तो बारिश के पानी के द्वारा, या फिर मतलब कि जैसे मतलब बारिश का पानी जा रहा है या फिर कोई मतलब प्लांट का कोई पार्ट उनके कॉन्टेक्ट में आता है तो वहाँ से क्या होगा वो दूसरे प्लांट पे चला जाएगा और दूसरे प्लांट को भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड कर देता है प्लांट, मतलब कि इसमें दिखाया गया है कि इन्फेक्टेड शूट विद डिस्टोर्टेड ग्रोथ, मतलब शूट दिखाया गया है कि उसकी जो ग्रोथ है बिल्कुल वो डिस्टोर्टेड हो रही है, बोना रह रहा है, मतलब वो शूट है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसका जो इन्फेक्शन है वो टेंड्रिल्स पे भी देखने को मिलता है। टेंड्रिल्स अब क्या होता है इस तरह से, ये वाली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जो स्ट्रक्चर जैसे इसकी अंगूर की तो बेल ही लगती है जो कि मतलब ऐसे मतलब घुमावदार ऐसे स्ट्रक्चर होती है जो बेल को ऊपर चढ़ने में मदद करती है, मतलब ऊपर की तरफ जैसे ग्रोथ होती है, तो ये किसके सहारे, तो ये टेंड्रिल्स होते हैं जैसे मतलब अपने बांध दिया जाता है इनको रस्सी से, या फिर तो टेंड्रिल्स क्या करती है चारों तरफ से रस्सी से लिपट जाती है जो कि हेल्प करती है प्लांट को ऊपर ऐसे मतलब चढ़ाई जैसे होती है इनकी तो वहाँ पे हेल्प करेगी ये टेंड्रिल्स। नेक्स्ट देखिए जो मतलब कि नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि इस तरह से जो इन्फेक्शन है वो फ्रूट के ऊपर भी आ जाता है, फ्रूट भी पूरी तरह से इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें क्रॉस सेक्शन भी दिखाया गया है इस तरह से, मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से इसमें इन्फेक्शन होता है, तो ये देखिए कि स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया प्रोट्यूडिंग थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू क्या है स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी मैंने जैसे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी वो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसकी ब्रांचिंग इस तरह से होगी, राइट एंगल पे ब्रांचिंग होती है यहाँ से आप देख सकते हो इस इमेज में। नेक्स्ट देखिए और लोअर सर्फेस पे क्या होगा, इस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा और लोअर सर्फेस पे इनकी वजह से स्पोरेंजिया की वजह से अपने को ओटनिंग ग्रोथ देखने को मिलती है और उससे क्या होगा लीफ के ऊपर पैचेस पड़ जाते हैं, लीफ के ऊपर अपने को सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये इसका लाइफ साइकिल रहेगा, बिल्कुल सिंपल है। एक बार दोबारा से भी बता देती हूँ आपको कि फंगस के जो भी स्पोर रहते हैं वो ओवर विंटर कहाँ पे सर्वाइव करते रहते हैं, जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज रहते हैं उसके अंदर सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट जो ऊ स्पोर है वो जर्मिनेट होंगे, स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन करेंगे जिसके अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्पोरेंजिया फट के क्या करेंगे, जूस पोर रिलीज कर देंगे, जूस पोर से डायरेक्ट मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन का भी काम करेंगे और नेक्स्ट क्या होगा कि प्लांट को पूरी तरह से प्लांट को इन्फेक्टेड कर देते हैं, वहाँ पे सिम्टम देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि इन्फेक्शन है वो फ्रूट के ऊपर भी आ जाता है, फ्रूट को भी पूरी तरह से कवर कर लिया जाता है, मतलब कोटनिंग ग्रोथ हो जाती है वहाँ पे। तो इस तरह से फिर वो जैसे प्लांट के दूसरे जैसे पार्ट होते हैं लीफ हो गए इन सबको भी इसके ऊपर भी अपने को सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो इस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है। नेक्स्ट देखिए इसका एपिडेमियोलॉजी या फिर फेवरेबल कंडीशन की, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन रहेंगी जो कि डिजीज को फेवर करेंगी। तो मोस्टली देखिए कि स्पोरेंजिया की जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए रहता है, मतलब लगभग 10 से 23 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तो 10 और 23 के बीच का जैसे टेम्परेचर रहेगा तो वो स्पोरेंजिया को जर्मिनेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए डिजीज डेवलपमेंट कब होगी, मतलब पूरी तरह से डिजीज का डेवलपमेंट कब होगा, जब जैसे ज़्यादातर ये जो डिजीज़ है डाउनी मिल्ड्यू वो ज़्यादातर जैसे बारिश होती रहती है ना तो वहाँ पे ये जो डिजीज़ है वो ज़्यादा आती है, तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो 80% से अबोव हो, मतलब कि जैसे मॉइस्चर हो एनवायरनमेंट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% से जब अबोव रहती है, ठीक है, और टेम्परेचर रेंज 23-27 डिग्री सेल्सियस हो तो उस टाइम में डिजीज का डेवलपमेंट इजीली हो जाता है, इजीली वो डिजीज है वो डेवलप हो जाती है प्लांट के ऊपर और वो आगे इन्फेक्शन अपना करती रहती है। नेक्स्ट देखिए इसका मैनेजमेंट, तो इसके मैनेजमेंट की अगर बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू में हमेशा आप याद रखना, चाहे किसी भी क्रॉप की अगर डाउनी मिल्ड्यू हो तो एक रामबाण का काम कौन करता है डाउनी मिल्ड्यू में, रामबाण का काम करेगा ये मेटालेक्सिल। तो मेटालेक्सिल हमेशा कोई भी आपके क्रॉप की डाउनी मिल्ड्यू डिजीज हो उसमें आप जरूर, या फिर रिडोमिल के नाम से भी ये प्रोडक्ट आता है तो इसको आप मेंशन जरूर करना। तो केमिकल कौन सा यूज़ करते हैं, मेटालेक्सिल यूज़ करते हैं 0.2% के हिसाब से, या फिर अदर केमिकल, या फिर जैसे बोर्डेक्स मिक्सचर भी इसके लिए काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है, बोर्डेक्स मिक्सचर का भी आप छिड़काव कर सकते हो, या फिर कौन से रहेंगे डाइफोल्टान हो गया, क्लोरेंथिनोल हो गया, कोप्रोक्सीक्लोराइड हो गया, इनका भी स्प्रे कर सकते हो।
नेक्स्ट देखिए, अलग जैसे कुछ स्प्रे बताए गए हैं, जैसे बोर्डेक्स मिक्सचर तो हो ही गया, कोपरोक्सीक्लोराइड हो गया और क्लोरेंथिनोल हो गया। तो इनकी अलग अलग जैसे मतलब जितनी कंसंट्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंग स्प्रे कर सकते हो। नेक्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल की अगर बात करें तो एर्विनिया हर्बिकोला जो कि एक बैक्टीरिया है, तो वो भी इस डिजीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है, लगभग 75% तक इससे कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, सेम वही चीज़ें आ जाएगी जैसा बाकी अपने ग्रुप में पढ़ने हैं कि बिल्कुल जो प्लांट है उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग अच्छी तरह से करनी चाहिए, उसके जो डिजीज प्लांट पार्ट है उसको फील्ड से पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए, और जो भी अगर डिजीज प्लांट पार्ट अगर वहाँ पे रहते हैं तो उससे इन्फेक्शन है वो ज़्यादा होगा, इन्फेक्टेड प्लांट मटीरियल को पूरी तरह से जला देना चाहिए फील्ड में, और प्लांट के जैसे मतलब कि एक एरिया में जैसे डिजीज़ आई हुई है तो फिर उसी प्लांट का कोई भी मतलब जैसे अपने नेक्स्ट दूसरे अगर एरिया में लगाना चाह रहे हैं तो इन्फेक्टेड प्लांट मटीरियल को यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको मतलब पूरे क्वारंटाइन करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब ऐसा नहीं कि इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर अपने लेके जा रहे हैं तो वहाँ भी क्या होता है इसका इन्फेक्शन फैलेगा और पूरा का पूरा जो ऑर्चार्ड है वो भी इससे खराब हो सकता है। ये रहेगा इसका मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की आपकी डिजीज रहेगी एंथ्रेक्नोज, जो कि इंपॉर्टेंट डिजीज है। अब एंथ्रेक्नोज को आप समझिए, जैसा मतलब अपने शुगर केन में पड़ी थी ना कोलेक्टोट्राइकम से जैसे हो रही थी डिजीज, रेड रोट अपने पड़ी थी, तो उसी टाइप की ये जो डिजीज़ है इसमें भी सेम वही चीज़ें रहती है। उसमें जैसे एसरबुलाई का फॉर्मेशन हो रहा था सेम एंथ्रेक्नोज के अंदर रहेगा। कल परसों वाली क्लास में भी शायद मैंने इसके बारे में आपको बताया था, जैसे सिट्रस डाइबैक था ना उसके अंदर जैसे एसरबुलाई का फॉर्मेशन हो रहा था, तो सेम इसी में एंथ्रेक्नोज में भी क्या होगा, एसरबुलस का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, इस डिजीज़ का दूसरा नाम क्या रहेगा, बर्ड आई स्पॉट। ठीक है, तो बर्ड आई स्पॉट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जैसे एसरबुलाई जो बनती है, जैसे इस तरह की जो स्ट्रक्चर रहती है, जो तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर आपको पहले बता चुकी हूँ मैं, इसका फोटो भी आपको दिखाया था, तो उसके अंदर इस तरह से कोनिडिया का जर्मिनेशन होता है, कोनिडिया बनते हैं ऐसे चेन में, ऐसे कोनिडिया रहते हैं, तो तस्तरी नुमा से ऐसे सिटी सी निकलती है जो कि कोनिडिया की लिब्रेशन में हेल्प करती है। ठीक है, इस तरह से कोनिडिया बनेंगे जो कि एक फ्लैट स्ट्रक्चर रहती है, ऐसे तस्तरी नुमा एक इस तरह की संरचना ये रहती है इस तरह से। तो देखिए, तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर ऐसे फंगस की बन जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मतलब जैसे स्पोर्ट पड़ेगा, तो जो ये एक स्पोर्ट जैसे इस तरह से स्पोर्ट पड़ा है, तो इसके जो बीच का जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल एक ऐसे ब्राउनिश या फिर ब्लैक कलर का ये स्पोर्ट है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो आउटर जो पोर्शन है वो पूरी तरह से इस तरह से घिरा रहता है ब्लैक पार्ट से, और ये जो इंटरनल जो पोर्शन है बिल्कुल सेंटर, तो वो सेंटर इसका किस तरह से देखने को मिलता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का ऐसे देखने को मिलता है, या फिर ग्रेइश ग्रे कलर का भी, एस कलर भी आप इसको बोल सकते हो, तो उस तरह का ये पूरा डॉट सा एक बनता है, तो इसी को क्या बोल दिया गया है, बर्ड आई स्पॉट। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बर्ड आई स्पॉट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इस चीज को ध्यान रखना, बर्ड आई स्पॉट मतलब एंथ्रेक्नोज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म कौन सा रहेगा, एल्सिनोई एम्पिलिना रहेगा। नेक्स्ट देखिए कि एंथ्रेक्नोज कहाँ कहाँ आती है, कि वर्ल्ड वाइड ये जो डिजीज है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है, जहाँ जहाँ पे ग्रेप्स की मतलब ग्रेप्स को उगाया जाता है वहाँ वहाँ इसका जो इंसिडेंस है वो डिजीज का वो देखने को मिलता है। सबसे पहले इस डिजीज को यूरोप में फाइंड आउट किया गया था, नेक्स्ट जैसे मतलब कि एंशियंट टाइम में सबसे पहले इसको यूरोप में देखा गया था, और इंडिया में मतलब ये जो डिजीज है वो लगभग कब रिपोर्ट की गई थी, 1903 में पूना के पास में कहीं कोई एरिया था वहाँ पे इसको रिपोर्ट किया गया था, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया के जितने भी जो स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सब में जो डिजीज़ है वो देखने को मिलती है, जहाँ जहाँ पे मतलब एक ग्रो किया जाता है अंगूर वहाँ वहाँ पे इस डिजीज़ का इंसिडेंस रहता है। नेक्स्ट देखिए, अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन द डिजीज अपीयर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन, और नॉर्थ में क्या होता है ज़्यादातर जैसे रेनी सीजन है तो उसी टाइम में इस डिजीज़ को देखा गया है, और साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री बेरीज एस्केप इन्फेक्शन बिकॉज द क्रॉप मेच्योर बिफोर द ऑन सेट ऑफ रेन। और साउथ पार्ट में क्या होता है कि जैसे मतलब बेरीज है उसके ऊपर इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जो क्रॉप है वो रेन मतलब जैसे बारिश आती है उससे पहले ही बिल्कुल मेच्योर हो जाती है, इस वजह से वहाँ पे
इंसिडेंस कम रहता है। नेक्स्ट देखिए इसके सिम्टम, तो इसके सिम्टम मतलब किस तरह का रहेगा, तो एक ऐसे जैसे बेरीज होगी, लीव्स हो गई, तो उसके ऊपर क्या है कि एक इस तरह का स्पॉट पड़ता है। इस स्पॉट में क्या होगा कि उसका जो सेंटर है, यहाँ से आप देख सकते हो कि बिल्कुल जो सेंटर है वो ब्लैक या ग्रेइश कलर का हो जाता है, जिस वजह से देखने में ऐसा लगता है कि एक पक्षी की आंख हो वो। तो इस तरह का इसका सिम्टम रहेगा। और ये मतलब कहाँ कहाँ भी अटैक करती है फंगस, शूट हो गया, टेंड्रिल्स हो गया, पीटियोल्स हो गए, लीव्स हो गई, वेन्स हो गए, इन सब पे मतलब स्टेम पोर्शन है प्लांट की, मतलब जितने भी पार्ट होते हैं वहाँ पे इसका जो इन्फेक्शन है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए इसके जो स्पॉट है वो मतलब यंग शूट्स जैसे रहते हैं, उसके ऊपर भी देखने को मिलते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये स्पॉट है, इनका साइज है वो बढ़ने लग जाएगा और वो क्या करता है, गर्डलिंग कर देता है। गर्डलिंग मतलब क्या होता है कि ये गड्ढा सा कर देगा, जिससे क्या होगा कि जो भी वहाँ के सेल्स टिश्यूज हैं उनकी पूरी तरह से डेथ हो जाती है और प्लांट है वो मर जाता है, प्लांट की डेथ भी हो सकती है इससे। और इससे क्या होता है, कभी कभी डाईबैक के सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, मतलब प्लांट है वो ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लग जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है कि स्पोर्ट पड़ेगा तो वहां क्या होगा, बिल्कुल जो प्लांट्स के सेल्स टिश्यूज है उनकी डेथ हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होता है, स्पोर्ट का साइज इंक्रीज होने लग जाएगा और उससे क्या होगा, बिल्कुल जो पत्तियां हैं, शूट है वो सूख जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह के इसके सिम्टम भी रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्पॉट अपीयर ऑन द न्यू शूट एंड फ्रूट्स आल्सो, भी फ्रूट पे और न्यू शूट्स जैसे रहता है उसके ऊपर भी जो स्पॉट है वो देखने को मिलेंगे। और जैसे पीटियोल्स लीव्स और रहती है वो वहाँ पे क्या होती है, जैसे लीव्स की कर्लिंग भी देखने को मिल सकती है और डिस्टोर्टेड हो जाती है, बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो जाएंगी वहाँ की जो लीव्स है, पीटियोल्स है वो सब। नेक्स्ट देखिए बेरीज पे, मतलब बेरी जो रहती है, जो फ्रूट रहता है उसके ऊपर किस तरह का सिम्टम दिखेगा, राउंड ब्राउन सनकन स्पॉट, ठीक है। सनकन मतलब होता है धंसा हुआ, धंसा हुआ मतलब किस तरह का, कि धंसा हुआ, सनकन का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं धंसा हुआ। तो धंसा हुआ मतलब किस तरह से, कि पूरा जैसे प्लांट का जो पार्ट है, कि जो उसका इंटरनल जैसे पार्ट है, मतलब ये तो ऊपर का पार्ट हो गया, नीचे वाला जो पार्ट है, अंदर का पोर्शन है, उसमें भी पूरा का पूरा ये फैला रहता है, तो उसी को बोला गया है सनकन स्पॉट इसमें पड़ेगा। और जो कि देखने में बर्ड की आई जैसे रहती है, उसके समान देखने को ऐसे लगता है कि जैसे पक्षी की एक आँख हो, तो ये इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि ऑन द लीव्स इट अपीयर एज स्मॉल इरेगुलर डार्क ब्राउन स्पॉट, सेम इसी तरह का स्पॉट रहता है। डिजीज अपीयर एज डार्क रेड स्पॉट ऑन बेरीज, बेरी के ऊपर डार्क रेड कलर का स्पॉट भी पड़ जाता है और कभी कभी जो स्पॉट है वो पर्पल कलर में भी देखने को मिलता है। लेटर दी स्पॉट आर सर्कुलर सनकन एशी ग्रे एंड इन लेट स्टेज दी स्पॉट्स आर सराउंडेड बाय डार्क मार्जिन विच गिव इट बर्ड साइज अपीयरेंस, जो कि एक बर्ड आई की अपीयरेंस जैसी अपीयरेंस दिखती है, देखने में ऐसे लगता है कि जैसे पक्षी की आंख हो। नेक्स्ट देखते हैं इसकी इटियोलॉजी अगर देखें तो इसमें अपने फंगस मेनली मतलब कौन सी रहेगी, एल्सिनोई एम्पिलिना, जो कि इसकी परफेक्ट स्टेज है, मतलब सेक्सुअल स्टेज है, और ग्लोइस्पोरियम और एम्फिलोवेगम, ये कौन सी है, इसकी एनामोर्फ स्टेज है, मतलब कि जिसमें ए सेक्सुअल स्टेज आप इसको बोल सकते हो, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें तो फंगस किंगडम फंजाई रहेगी, डिवीजन एस्कोमाइकोटा रहेगा, और क्लास लोक्युलोमाइसिटीज रहेगी, ऑर्डर इसका कौन सा रहेगा, डोथिडियल्स रहेगा, फैमिली एल्सिनोएसी, और जीनस रहेगा एल्सिनोई, और स्पीसीज रहेगी इसकी एम्पिलिना। तो ये इसकी रहेगी मेनली इटियोलॉजी। और अगर पैथोजन का करेक्टर देखें तो पैथोजन किस तरह का रहेगा इसका, कोनिडिया इसमें फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, और वो कैसे पेरिथीशिया बनाते हैं, एक इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है पेरिथीशिया, जिसके अंदर क्या है कि एस्कोस्पोर का भी फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए इसके जो एनामोर्फ और टीलियोमोर्फ स्टेज दोनों बता चुकी हूँ मैं आपको, तो ये रहेंगी नेक्स्ट की क्लास में अपने पढ़ते हैं इसके पैथोजन के करेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू वेरी मच। एक लिंक और भेज रही हूँ, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए।